अमेरिका दुनिया की आर्थिक महाशक्ति है, संसार की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया के अनेक देशों की हालत अमेरिका में आए मामूली आर्थिक बदलाव से बनने बिगड़ने लगती है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 23 ट्रिलियन डॉलर की है, लेकिन अभी अमेरिका की चर्चा इस वजह से हो रही है कि उसे और कर्ज लेने की अनुमति संसद से मिलेगी या नहीं। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चीन के खिलाफ बनाए गए चार देशों के मोर्चे क्वाड की बैठक ही रद्द करनी पड़ी। चर्चा ये भी हो रही है कि ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जब अमेरिका कर्ज चुकता नहीं कर पाएगा, यानी उसके डिफॉल्टर होने का खतरा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को और कर्ज लेने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी चाहिए, जिसकी राह आसान नहीं दिख रही है। डेट सीलिंग दरअसल वो अधिकतम रकम है जिसे अमेरिकी सरकार अपने खर्चे पूरे करने के लिए उधार ले सकती है। ये रकम अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद तय करती है। भारत और अमेरिका सहित दुनिया के अनेक देशों का बजट घाटे में चलता है, यानी सरकार को टैक्स से जितनी आमदनी होती है उससे कहीं अधिक उसके खर्चे होते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को अपने बिल चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अमेरिका में ये एक सामान्य प्रक्रिया है। अर्थव्यवस्था की हालत को देखते हुए अमेरिकी कांग्रेस कर्ज की सीमा को घटाती और बढ़ाती रहती है। 1960 से लेकर अब तक कर्ज की सीमा में अमेरिकी संसद ने 78 बार बदलाव किए हैं, लेकिन इस बार बाइडेन को विपक्षी रिपब्लिकन सांसदों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो कर्ज की सीमा को बढ़ाने के बदले कई शर्तें रख रहे हैं जिन्हें मानने को सत्ताधारी डेमोक्रेट तैयार नहीं है। ज्यादातर जानकारों का मानना है कि अमेरिका का डेट सीलिंग का संकट आर्थिक कम और राजनीतिक ज्यादा है। बीबीसी ने जितने विशेषज्ञों से बात की उनमें से ज्यादातर का यही मानना है कि अमेरिका डिफॉल्टर नहीं होगा और मौजूदा गतिरोध का हल निकल आएगा। क्योंकि मामले को नहीं सुलझाया गया तो इसके नतीजे बेहद भयावह हो सकते हैं। एक बात जो बिल्कुल तय है वो ये कि अगर अमेरिकी कांग्रेस ने सीमा नहीं बढ़ाई तो अमेरिका और कर्ज नहीं ले पाएगा। इसका मतलब होगा कि वो सरकारी कामों का बिल और दूसरी देनदारियां चुकता नहीं कर पाएगा। मान लीजिए जब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलने वाली सहायता प्रभावित होगी तो बड़ी तादाद में लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों का बिल नहीं भर पाएंगे, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर ही पड़ेगा। बीबीसी के एक पॉडकास्ट में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद अल एरीन ने बताया कि अगर अमेरिका कर्ज चुकाने में नाकाम रहता है तो देश मंदी के कुचक्र में फंस सकता है। अब बात दुनिया पर पड़ने वाले असर की, जिसे नॉक ऑन इफेक्ट कहा जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब अमेरिका का केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बेहद मामूली बदलाव करता है तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं उसके असर से बच नहीं पाती। अगर 23 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था सिकुड़ती है तो दुनिया के अनेक देशों पर इसकी भारी मार पड़ेगी। भारत जैसे देश भी इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि अमेरिका में मांग घटेगी, मांग घटने से निर्यात प्रभावित होगा, जिसे दूसरे देशों की अनगिनत कंपनियां प्रभावित होंगी। अगर अमेरिका कर्ज नहीं चुका पाता तो उसकी साख पर ही नहीं डॉलर पर भी जोरदार चोट पड़ेगी। भारत जैसे देशों को इसका कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन डॉलर में होने वाली खरीद बिक्री में भारी उथल पुथल होगी, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के हित में नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की नीतियों और फैसलों का विरोध करना विपक्ष के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मामले में समझौता न हो पाने की बड़ी वजह यह है कि विपक्षी रिपब्लिकन सांसदों का कहना है कि सरकार का इतना पैसे खर्च करना लगातार जारी नहीं रह सकता। इसके लिए वे जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है अनसस्टेनेबल। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, इसलिए डेमोक्रेट राष्ट्रपति जो बाइडेन कल्याणकारी कामों में कटौती करके और लोकप्रिय नहीं होना चाहते, जबकि विपक्षी रिपब्लिकन उन्हें बढ़ते सरकारी खर्च के मुद्दे पर घेर रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कह रहे हैं कि मामले का हल निकल जाएगा और डिफॉल्टर होने की नौबत नहीं आएगी। रिपब्लिकन सांसदों की मांग है कि जो बाइडेन वादा करें कि वे बजट में कटौती करेंगे, चुनाव से ठीक पहले कटौती के लिए राजी होना राजनीतिक तौर पर और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए घातक हो सकता है।